मेडू हब में आप सबका स्वागत है। मेरा नाम डॉक्टर एनके शर्मा है। नीट यूजी एंट्रेंस के लिए बायोलॉजी की हम तैयारी कर रहे हैं और हमारी सीरीज एनसीईआरटी सिंप्लीफाइड, इसमें हम एनसीईआरटी की जो लाइंस हैं वो आपको क्लेरिफाई कर रहे हैं, सिंप्लीफाई करके समझा रहे हैं। आप में से बहुत से लोग हमसे कहते हैं कि सर ये वाली लाइंस मुश्किल हैं, इसका मतलब बता दीजिए। इसीलिए मैं आपसे फिर रिक्वेस्ट कर रहा हूं कि एक तो आप सब्सक्राइब कीजिए इस चैनल को और अपनी प्रॉब्लम हम तक पहुंचाइए। ये बताइए कि इस चैप्टर में ये वाला पैराग्राफ आपको समझ नहीं आ रहा है और इस सीरीज में हम उस पैराग्राफ को पूरी तरह से सिंप्लीफाई करके आपके लिए अपलोड करने की पूरी कोशिश करेंगे। तो इस वीडियो में हम बात करेंगे क्लास 12th एनसीईआरटी से, जेनेटिक्स प्रिंसिपल्स ऑफ इनहेरिटेंस एंड वेरिएशन चैप्टर 4 है, और बात करेंगे सेक्शन 4.5। 4.5 में प्लियोट्रॉपी के बारे में। तो ये आपकी एनसीईआरटी की लाइन है। यहां पर देखिए, वी हैव सो फार सीन द इफेक्ट ऑफ अ जीन ऑन अ सिंगल फिनोटाइप और ट्रेट। तो हमने ये देखा कि मान लीजिए कैपिटल टी है पाइसम सटाइबम में, प्लांट क्या बन गया, टॉल बन गया। ये एक ही ट्रेट की बात हो रही है और ट्रेट क्या है, हाइट है। तो अब तक आपने जो जीन्स देखी उनमें जीन एक ही फिनोटाइपिक एक्सप्रेशन को इन्फ्लुएंस कर रही हैं। ये एक मेंडेलियन ट्रेट है, और जैसा मैंने आपसे कहा कि कैपिटल टी इससे हाइट कैसी बन गई, टॉल बन गई। स्मॉल टी होता तो ड्वार्फ बन जाता, चाहे टॉल कहें चाहे ड्वार्फ कहें, इसका मतलब हाइट ही है। इस बात को बड़े ध्यान से समझिए। लेकिन अब आपकी एनसीईआरटी कहती है कि कुछ जगह पर ऐसा होगा एक जीन मल्टीपल फिनोटिपिक एक्सप्रेशन को इन्फ्लुएंस करेगी। इसका मतलब ये हुआ कि एक जीन और ट्रेट 1, ट्रेट 2, ट्रेट 3 अलग अलग फिनोटाइप को क्या कर सकती है, इन्फ्लुएंस कर सकती है। फॉर एग्जांपल, मैं हाइपोथेटिकल एग्जांपल लेता हूं, आई कलर पे भी उसका असर है, हेयर कलर पर भी उसका असर है, एंड लेट अस से स्किन कलर पर भी उसका असर है। इस वाले फिनोमिना को प्लियोट्रॉपी कहा जाता है और इस तरह की जीन को प्लियोट्रॉपिक जीन कहा जाता है। ये लाइन हमें एनसीईआरटी की समझ में आ गई। अब देखिए, जिस लाइन में प्रॉब्लम आती है, ये जो आप में से कई लोगों ने जो मेरे से लाइन पूछी है वो ये है कि सर इसका अंडरलाइंग मैकेनिज्म समझाइए, किस तरह से ये प्लियोट्रॉपी होता है और क्या कह रही है एनसीईआरटी कि इसका अंडरलाइंग मैकेनिज्म इफेक्ट ऑफ जीन है ऑन मेटाबॉलिक पाथवेज जो कि कॉन्ट्रीब्यूट करते हैं टूवर्ड्स डिफरेंट फिनोटाइप। ये वो लाइन है जो बच्चों को अक्सर परेशान करती है। तो इसका मतलब समझिए, देखिए जो मेटाबॉलिक पाथवे है, बायोकेमिकल रिएक्शन, आपके सेल में जो बायोकेमिकल रिएक्शन हो रहे हैं वो एक दूसरे के ऊपर इंटरडिपेंडेंट है, इंटरलिंक्ड है, वो कॉन्स्टिट्यूट करते हैं एक मेटाबॉलिक पाथवे। पहले रिएक्शन का एंड प्रोडक्ट दूसरे का सबस्ट्रेट बन जाएगा। इस तरह के इंटरलिंक चीजों को आप क्या कहेंगे, मेटाबॉलिक पाथवे कहेंगे। चलिए एक सिंपल मेटाबॉलिक पाथवे आपके सामने मैं बनाता हूं। तो मैं बात कर रहा हूं मेटाबॉलिक पाथवे की, और मैंने ये कहा कि लेट अस से किसी लिविंग ऑर्गेनिज्म में ए इज गेटिंग कन्वर्टेड इनटू बी। ये एक सिंगल बायोकेमिकल रिएक्शन है, इसका एंड प्रोडक्ट बी है। लेट अस से बी दो अलग अलग पाथवे से कैन बी कन्वर्टेड इनटू सी एंड टी। नाउ प्लीज सी, अब आप ये देखते रहेंगे कि ये किस तरह से पहले रिएक्शन का जो एंड प्रोडक्ट है वो दूसरे का सबस्ट्रेट बन गया। इस तरह की चीजों को आप मेटाबॉलिक पाथवे में इंक्लूड करेंगे। ये बहुत कॉम्प्लेक्स होगा। आपकी एनसीईआरटी एक जगह कह रही है के शहर में जो सड़कों का जाल बिछा हुआ होता है, ये सब चीजें इस तरह से जो कॉम्प्लेक्स इंटर रिलेशनशिप्स होते हैं, ये मेटाबॉलिज्म की तरफ आपका इशारा कर रहे हैं। ये आपस में खूब इंटरलिंक्ड होते हैं और एक का इंटरमीडिएट दूसरे में इस्तेमाल हो सकता है। एंड लेट अस से इन कंटिन्यूएशन विद द डिस्कशन ऑफ दिस हाइपोथेटिकल पाथवे, के दो अलग अलग तरीके से ये कन्वर्ट हुआ ई में और एफ में। आपके सामने बहुत ही सिंप्लीफाइड हाई
हाइपोथेटिकल पाथवे है, और ऐसा मानते हैं कि ये देखिए बड़े ध्यान से सी ई और एफ इस मेटाबॉलिक पाथवे के आपको एंड प्रोडक्ट्स दिखाई दे रहे हैं। और हम उसी एग्जांपल को ले लेते हैं जो अभी मैं एनसीईआरटी में आपको बता रहा था। लेट अस से कि ये आई कलर के लिए रिस्पॉन्सिबल है, लेट अस से ये हेयर कलर के लिए रिस्पॉन्सिबल है, एंड लेट अस से ये स्किन कलर के लिए रिस्पॉन्सिबल है। तो अगर मैं आपकी एनसीईआरटी पे जाऊं तो मेटाबॉलिक पाथवे विच कॉन्ट्रीब्यूट टूवर्ड्स डिफरेंट फिनोटाइप, तो ये एक मेटाबॉलिक पाथवे है जो तीन फिनोटाइप्स पे कॉन्ट्रीब्यूट कर रहा है। बिल्कुल एग्जैक्ट लाइन एनसीईआरटी की आपको समझ में आ गई। एक चीज और समझिए, ये जो पर्टिकुलर मेटाबॉलिक रिएक्शन है ये एंजाइम कैटालाइज करेगा। लिविंग सिस्टम में कोई भी रिएक्शन ऐसा नहीं है जिसे बायोकेमिकल कैटलिस्ट कैटलाइज ना करते हो। तो हर एक रिएक्शन कौन कैटलाइज कर रहा है? एंजाइम। और एंजाइम्स आर ऑलमोस्ट ऑलवेज प्रोटीन्स। तो ज्यादातर करीब करीब सारे के सारे एंजाइम्स क्या है? प्रोटीन्स है, एंड प्रोटीन्स आर द एक्सप्रेशन ऑफ जीन। तो हम ये कहते हैं कि G1 इज रिस्पॉन्सिबल फॉर मेकिंग E1, एंड G2 इज रिस्पॉन्सिबल फॉर मेकिंग E2, एंड सिमिलरली G3 फॉर E3, एंड सो ऑन एंड सो फोर्थ, G4 फॉर E4 एंड G5 फॉर E5। मैंने आपसे ये कहा कि G1 का जो एक्सप्रेशन है वो एंजाइम 1 है, G2 का जो एक्सप्रेशन है वो एंजाइम E2 है। इस तरह से आपको बात समझ में आ गई। अब आप ये सोचिए कि मान लीजिए किसी वजह से E5 खराब हो जाए, E5 में म्यूटेशन, तो एक बार आप रोकिए इस वीडियो को, पॉज कीजिए। E5 में म्यूटेशन हुई, अब आप ये बताइए कि इससे असर क्या पड़ेगा। सो इमीडिएटली आपको समझ में आ गया, आपने कहा कि सर स्किन कलर पर असर आएगा, एक सिंगल फिनोटाइप एक्सप्रेशन इन्फ्लुएंस हो रहा है। सो ये जो G5 है इसके खराब होने से केवल एक फिनोटाइपिक एक्सप्रेशन पे नुकसान आ रहा है। लेकिन आप ये सोचिए कि मान लीजिए G1 खराब हो जाए, इसमें म्यूटेशन हो जाए तो क्या होगा? फिर वीडियो को पॉज कीजिए और सोचिए कि अगर G1 में म्यूटेशन हो जाए तो क्या होगा। इमीडिएटली आपने कहा कि सर ये तीनों फिनोटाइप पर असर आएगा, ये है प्लियोट्रॉपी। इस जीन को आप प्लियोट्रॉपिक जीन कहेंगे। ये आपकी एनसीईआरटी कह रही है कि इस जीन को प्लियोट्रॉपिक जीन कहेंगे जब एक सिंगल जीन कैन एक्सिबिट मल्टीपल फिनोटाइपिक एक्सप्रेशन। और इसकी वजह अब आपको समझ में आ गई, ये मेटाबॉलिक पाथवे है क्योंकि वो डिफरेंट फिनोटाइप्स पर असर डाल रहा है। उम्मीद है ये लाइन आपको समझ में आ गई। बाकी चीज बहुत आसान है, आप सबको पता है कि ये फिनाइल कीटोन्यूरिया एक प्लियोट्रॉपिक डिजीज है। इस प्लियोट्रॉपिक कंडीशन है, इसमें ऑब्वियसली फिनाइल एलेनिन हाइड्रोक्सिलेस एंजाइम नहीं होता। इसका मतलब एक मेटाबॉलिक पाथ, एक मेटाबॉलिक ब्लॉक लगता है। कौन सी जीन खराब है? बॉडी में फिनाइल एलेनिन इकट्ठा होता है, मेटाबोलाइज होता है फिनाइल पाइरुवेट में, और फिनाइल कीटोन्यूरिया होता है। मेंटल रिटार्डेशन हो सकता है, स्किन पिगमेंटेशन पर असर आ सकता है, बॉडी में एक फ्रूटी ओडर हो सकता है। दैट इज अ वेरी वेरी सिंपल पार्ट। उम्मीद है आपको ये बीच में लाइन बहुत अच्छी तरह से समझ में आ गई होगी। प्लीज पोस्ट करते रहिए अपने पर्सनल डाउट्स को ताकि इस एनसीईआरटी सिंप्लीफाइड को हम और एनरिच कर सके। थैंक यू सो मच।